हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेव्यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेजन जो कि एक ई कॉमर्स साइट है, इस अमेजन के थ्रू आप किस तरह से अपनी व्हीकल का फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फुल प्रोसेस बताया है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं कि किस तरह से अमेजन के थ्रू फास्टैग रिचार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अमेजन पे का एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, तो आपको यहाँ दिखाई देगा रिचार्ज का एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिचार्ज एंड बाय फास्टैग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। इसके बाद रिचार्ज ऑल बैंक फास्टैग यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे गाड़ी का नंबर यानी व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना गाड़ी का नंबर लिख देना है। तो जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है यहाँ पर टाइप कर देंगे। गाड़ी का नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे साइड देखेंगे फास्टैग इश्यूज बैंक, मतलब जो भी जिस बैंक से आपका फास्टैग बनाया गया है वो बैंक आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक का आपने फास्टैग बनवाया है। तो यहां पर आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप कितने का रिचार्ज बनवाना चाहते हैं यहाँ पर वो पेमेंट डाल दीजिए। तो जितने का भी आप बनवाना चाहते हैं यहाँ पर आप वो पेमेंट यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे रिचार्ज फास्टैग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे एक यूपीआई, जो आपने यूपीआई का जो पिन बनाया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे यूपीआई का पिन फिल करेंगे आपको जो फास्टैग रिचार्ज है सक्सेसफुल रिचार्ज हो जाएगा।